गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए आपका आज लास्ट जीवन विश्लेषण का ये टॉपिक चलेगा, जिसमें आपको एक बार हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा देंगे और इसके बाद ये जीवन विश्लेषण समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, कैसे कैसे करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन है, यदि वेग v इक्वल टू अंडर रूट दाब बटे x हो तो अज्ञात राशि x का धीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। धीमी सूत्र ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। आप इसका सोल्यूशन देना है, विवेक दिया हुआ है, दाब दिया हुआ है और यक्ष अज्ञात राशि है, इसका विवेक सूत्र ज्ञात करना है। तो एक बार फिर से हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि वेग v बराबर अंडर रूट दाब बटे में यक्ष, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। इसको समीकरण एक मान के समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू दाब बटे में x। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वेग का विमी सूत्र पहले ही वीडियो में हमने निकाल के दिखा दिया था। L t की पावर माइनस वन होता है, उसी तरह दाब का भी विमीय सूत्र निकाला था हमने। दाब का विमीय सूत्र m l की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू होता है। अब दोनों विमीय सूत्र यहाँ रख दीजिए, वेग का विमीय सूत्र l t माइनस वन, यहाँ पर l t माइनस वन इसका स्क्वायर हो जाएगा। दाब का m l माइनस वन t माइनस टू लिखेंगे और अपॉन में x यहाँ आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हम लोग को x का विमीय सूत्र बराबर m l माइनस वन t माइनस टू अपॉन l t माइनस वन का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं ये देखिए, एल टी माइनस वन स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिख के निकाला जाएगा, एल टी माइनस वन इंटू एल टी माइनस वन कितना हो जाएगा ये देखिए, यल इंटू यल एल की पावर टू हो जाएगा, पावर वन है मल्टीप्लाई हुआ, पावर एड हो गया, टी माइनस वन है, टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। तो ये आ गया हम लोगों का एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन एल की पावर टू और टी की पावर माइनस टू। तो ये माइनस टू है, ये ऊपर जाएगा प्लस टू, तो टी की पावर जीरो, इस चीज की पावर जीरो यानी वन होती है, तो ये हट गया और अब हमारे पास कुल मिलाकर बचेगा एम एल की पावर माइनस वन है, ये टू है, टू ऊपर जाएगा माइनस टू, तो माइनस वन और माइनस टू माइनस टू। तो ये आ गया यक्स का विमीय सूत्र, क्या आ गया यक्स का विमीय सूत्र, यक्स का विमीय सूत्र बराबर एम एल की पावर माइनस टू, ये आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात राशि का विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं किसी भी दिए गए भौतिक समीकरण। अब आइए
प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए प्लस बी इक्वल टू सी में ए तथा सी समान प्रकार की भौतिक राशियों के विमीय सूत्र विमीय सूत्र एम एल माइनस वन टी माइनस टू है तो बी का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 2 कैसे इसको हल करेंगे, तो सोल्यूशन में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि समान प्रकार की भौतिक राशियों को ही समान प्रकार की भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अर्थात क्या मतलब है, देखिए ए में बी को जोड़ा गया है, ठीक, अब बी का ही विमीय सूत्र पूछ रहा है, इसका सूत्र पूछ रहा है बी का विमीय सूत्र, और ए में बी को जोड़ा गया है, यानी कहने का मतलब ए और बी समान प्रकार की राशियां होंगी, ठीक, और ए और सी का विमीय सूत्र हमें दिया हुआ है कितना, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, इसलिए जो बी का विमीय सूत्र होगा वो ए के विमीय सूत्र के बराबर हो जाएगा, ठीक, यहाँ लिख रहे हैं अतः बी का विमीय सूत्र बराबर ए का विमीय सूत्र, बी का विमीय सूत्र बराबर ए का विमीय सूत्र, और ए का विमीय सूत्र कितना दिया था, ये दिया था हम लोगों को एम एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस, इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, बी का विमीय सूत्र ज्ञात कर रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तीसरा क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करिएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल ई कण के द्रव्यमान स्मॉल एम आवृत्ति स्मॉल एन एवं आयाम स्मॉल ए पर निर्भर करता है, ए पर निर्भर करता है तब सिद्ध कीजिए कि ई एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, यह हमें दिखाना है, ठीक है।
ई प्रोपोर्शनल टू एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। ये हमें देखिए कैसे सिद्ध किया जाएगा इसको। तो इसके लिए हमने वीडियो बनाया था कि दी गई भौतिक राशियों के मध्य संबंध कैसे स्थापित करते हैं। तो हमने बता दिया था कि दी गई भौतिक राशियों के मध्य संबंध कैसे स्थापित करते हैं। ये देखिए, ये संपूर्ण ऊर्जा ई लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या? प्रश्नानुसार तो संपूर्ण ऊर्जा जो ई है वो निर्भर करता है किस पर? संपूर्ण ऊर्जा निर्भर करता है द्रव्यमान एम पर, आवृत्ति एन पर, आयाम ए पर। ठीक, तो ऊर्जा ई द्रव्यमान पर, आवृत्ति पर, आयाम पर निर्भर करता है। अब हम लोग को पता है कि इतना जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हमने कर दिया। अब इसको हम लोग अपने से पावर लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड। इसके बाद अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, एक कांस्टेंट लग जाता है ई इक्वल टू के एम की पावर एक्स, एन की पावर वाई, ए की पावर जेड। समीकरण नंबर एक इसको सपोज कर लेते हैं और लिख लेते हैं जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। जब जरूरत पड़ेगा तो के को हटा कर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बना सकते हैं। तो के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, के को आवश्यकता अनुसार लिखते हैं। ठीक है, के जब जरूरत होगा तो वैल्यू रखेंगे, नहीं जरूरत होगा फिर हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हटा हुआ है क्योंकि अनुक्रमानुपाती का ही चिन्ह, इसलिए अभी फिलहाल यूज करते हैं, फिर लास्ट में हटा देंगे। अब आइए समीकरण एक के दोनों पक्षों में विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों में विमाएं लिखने पर। और विमा हमने पहले ही बता दिया था कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो तो ऊर्जा के लिए ऊर्जा का विमीय सूत्र पहले ही बता दिया था हमने, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू होता है। द्रव्यमान के लिए प्रतीक हम लोग जानते हैं, क्या लिखते हैं? द्रव्यमान के लिए हम लोग एम लिखते हैं। आवृत्ति के लिए टी की पावर माइनस वन, हमने वीडियो में सेकेंड वीडियो में आवृत्ति का निकाला है विमीय सूत्र टी की पावर माइनस वन। और आयाम हमने नोट में ही लिख दिया था कि आयाम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आयाम के लिए प्रतीक एल लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब वहाँ पर सबकी विमाएं हमने लिख दिया है, वही सब विमाएं यहाँ लिखना है। ऊर्जा का विमीय सूत्र देखिए, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। के से कोई मतलब नहीं, अनुक्रमानुपाती नियतांक है इसलिए हट जाए, कोई मतलब नहीं। एम द्रव्यमान है तो एम लिखेंगे, पावर कितना है एक्स लिखेंगे। एन आवृत्ति है, आवृत्ति के लिए टी की पावर माइनस वन कर देंगे। और वाई है तो वाई लिख देंगे। ए आयाम है, आयाम के लिए एल लिखना है तो यल, और पावर आयाम का जेड है तो यल की पावर जेड हो जाएगा। अब इसको एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्रम से। ये क्या है? एम की पावर एक्स है, फिर यल की पावर जेड है, इधर तो है नहीं, यल की पावर जेड है, टी की पावर माइनस वन वाई यानी केवल माइनस वाई। ठीक, फिर से देख लीजिए, एम की पावर एक्स है, एल की पावर जेड है, टी की पावर माइनस वन वाई है। ठीक, इधर क्या है? एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। इसको हम लोग समीकरण दो मान लेते हैं और समीकरण दो के दोनों पक्षों में एम एल टी के खातों की तुलना कर देते हैं। समीकरण दो के दोनों पक्षों में एम एल टी के घातों की तुलना करने पर, MLT के घातों की तुलना करने पर, घात की तुलना करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए, एम की पावर एक्स है, इधर एम की पावर वन है, यानी एक्स इक्वल टू वन मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू वन है।
इधर एल की पावर जेड है, एल की पावर टू है, जेड इक्वल टू टू मिल गया, जेड इक्वल टू टू। इधर माइनस वाई है, टी की पावर, इधर टी की पावर माइनस टू है, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, माइनस मैंने दोनों तरफ है, तो वाई इक्वल टू कितना मिल गया, दो। देखिए एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू मिल गई, तो समीकरण दो में हम लोग एक्स वाई जेड का मान रख देते हैं। समीकरण दो में एक्स कामा वाई कामा जेड का मान रखने पर, मान रख दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए मान रखेंगे ये हम लोग का हो जाएगा ये समीकरण दो में एक, एक में रखना है, रख दीजिए ये हो जाएगा इक्वल टू के एन की पावर एक और एन की पावर वाई, वाई मतलब कि दो, एन की पावर दो, ए की पावर जेड, ए की पावर जेड मतलब कि ए की पावर टू, ठीक। तो ये हो गया इक्वल टू के एम एन की पावर टू ए की पावर टू। अब के अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, अरे ये के हटता है तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा, तो ये आ जाएगा e प्रोपोर्शनल टू एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। और यही हम लोगों को क्या करना था, तो सिद्ध करना था, इसकी सहायता से बीमा की सहायता से। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, बीमी विश्लेषण का उपयोग, बीमी विश्लेषण कितने उपयोग थे, तीनों, तीनों उपयोग हमने प्रैक्टिस आपको करा दी, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स को चेंज करना बताएंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, आप लोग वीडियो बार बार देखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे।